आजमगढ़ सेंट जेवियर्स स्कूल समूहपुर में स्कूल के बच्चों द्वारा स्कूल प्रांगण में श्री रामलीला का मंचन किया गया, जिसका शुभारंभ उप जिलाधिकारी सदर ज्ञानचंद्र गुप्ता, आए हुए अतिथियों व प्रिंसिपल विनय पांडे, वाइस प्रिंसिपल तनवीर श्रीवास्तव स्टाफ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत गीत से हुआ और बच्चों द्वारा श्री रामलीला प्रसंग की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पर सामूहिक नृत्य, ऋषि मुनि विश्वामित्र की पाठशाला, तड़का वध, अन्य प्रसंगों और बच्चों के अपने कला के माध्यम से दर्शाया। अद्भुत लाइटिंग, सजावट व साउंड के बीच बच्चों के मनमोहक श्री रामलीला की प्रस्तुति ने उपस्थित अभिभावक, श्रोताओं और स्कूल स्टाफ को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। सेंट जेवियर्स स्कूल के प्रिंसिपल विनय पांडे ने बताया कि आज हमारे प्रांगण में एक कॉन्सेप्ट विद्यालय को शिक्षा का मंदिर बोला जाता है। मंदिर का अभिप्राय यह है कि मंदिर एक ऐसा सांकेतिक स्थान होता है जहां से आदर्श डेवलप होता है, और आदर्श डेवलप करने के लिए प्रभु श्री राम से अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं है। जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनके लिए प्रभु श्री राम की व्याख्या किए जाए। नवरात्रि और दशहरे का कार्यक्रम चल रहा है और इसलिए हमने सोचा कि एक छोटा सा कार्यक्रम स्कूल में भी कराया जाए। Myself विनय पांडे, I am the principal of St. Javis School Samupur, and with me my vice principal is also there, Mr. Tani Kumar Srivastav ji. And हाँ, आज हमारे प्रांगण में हमने जो है एक नया कॉन्सेप्ट, क्योंकि विद्यालय को जो है शिक्षा का मंदिर बोला जाता है, तो मंदिर का अभिप्राय ये है कि मंदिर एक ऐसा सांकेतिक स्थान होता है जहाँ से आदर्श डेवलप होता है। तो आदर्श डेवलप करने के लिए प्रभु राम से उत्तम कोई एग्जाम्पल नहीं है हमारे ख्याल से, तो इसी वजह से हमने सोचा कि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स है उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुणों की व्याख्या करी जाए। तो दशहरे का पावन पर्व चल रहा है, नवरात्रे का जो है ये जो है सब कार्यक्रम चल रहा है, तो इसी बीच हमने सोचा कि एक छोटा सा प्रोग्राम अपने बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए किया जाए, जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कुछ गुण, कुछ लक्षण बच्चों को बताए जाए, बच्चे उनका अनुसरण करें। और अगर मैं ये मानता हूँ कि रामायण का अगर 1% भी हम अपनी लाइफ में उतार पाए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं मीडिया के से आए हुए लोगों का सहृदय धन्यवाद करता हूँ, हमारे अभिभावकों का धन्यवाद करता हूँ, बच्चों का उत्साहवर्धन करता हूँ कि इतनी मेहनत से कुछ राम जी के, रामलीला के दृश्यों को उभारने का, उकेरने का उन्होंने एक प्रयास किया है। और यही हमारा लक्ष्य है कि अपने आने वाले बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हम ये सारे कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे।